लॉकडाउन में मजीद नरमी से कोरोना बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 39 हलाकतें, तादाद 873 हो गई। 1352 ने केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 40,151 हो गई। सिंध में 15,590, पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलोचिस्तान में 2,544 अफराद मुतासर। कोरोना के 11,341 मरीज सेहतियाब। पंजाब में कल से ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। किराए 20% कम होंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी बहाल होगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स भी शाम 5 बजे तक खुलेंगे। कराची में आज से हीट वेव का खतरा। समुद्री हवाएं भी बंद। सूरज भी आग बरसाएगा। पारा 42 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। बहावलपुर में सीटीडी की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। मरने वालों से दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादन तंजीम दाश से था। हसास मुकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नेपाल में भारत के जरिए सड़कों की तामीर नामंजूर नहीं। नॉन रेजिडेंशियल नेपाली तंजीम ने आलमी दस्तख्ती मुहिम का आगाज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम siradul dina inam talhim gairil maktube alahim voladali। मशहूर जर्मन बॉक्सर वॉलहैम ओथ ने लॉकडाउन के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। सूरह फातिहा की तलावत भी की। और लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरे, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप भी। 03171242424 पर व्हाट्सएप करें।